हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के बेस्ट 300 करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन। ये पार्ट थ्री लेक्चर है, पार्ट वन एंड पार्ट टू लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। डुरांट कप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। हाल ही में समाचार में देखा गया डुरांट कप किस खेल से संबंधित है। सो आंसर इज फुटबॉल। ओके, रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ओन इट्स फर्स्ट डुरांट कप टाइटल बाई बीटिंग मोहन बगान सुपर जायंट। ओके, एंड द फाइनल वॉज हेल्ड एट विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन इन कोलकाता एंड डेट इज 31st August 2024। एंड डुरांट कप इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट एंड द 2024 एडिशन वॉज इट्स 133rd एडिशन। ओके, सो डुरांट कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल टूर्नामेंट। एज पर द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। जानकारी के अनुसार इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का नाम क्या है। सो आंसर इज गोपी चांद थोटाकुरा। इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट गोपी चांद थोटाकुरा एंड ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, सो गोपी चांद थोटाकुरा इज द इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। एज पर द इंफॉर्मेशन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च वाल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव। जानकारी के अनुसार किस संगठन ने हाल ही में वाल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव को लॉन्च किया। सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज WWF इंडिया। ओके, एंड इंडियाज फर्स्ट एंड दैट इज WWF इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड लॉन्च द वल्चर काउंट 2024 एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू काउंट एंड एसेस द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज WWF इंडिया। एज पर द न्यूज, व्हिच हैज बिकम द इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। समाचार के अनुसार भारत का फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है। सो आंसर इज इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम द इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। ओके, सो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इज द इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सरसाइज बरुणा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। हाल ही में समाचार में देखा गया एक्सरसाइज बरुणा, ये भारत और किस देश के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। सो एक्सरसाइज बरुणा ये कंडक्ट किया जाता है इंडिया एंड फ्रेंच नेवी के बीच में। ओके, सो इट इज ए इंडो फ्रेंच बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बरुणा एंड इट इज ए 22nd एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज वरुणा ये कंडक्ट किया जाता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। एज पर द इंफॉर्मेशन, मिशेल बार्नियर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। जानकारी के अनुसार मिशेल बार्नियर को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सो नेम ऑफ द कंट्रीज फ्रांस। ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज फ्रांस एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इमानुएल मैक्रॉन। रिसेंटली ताहिर जमान वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ व्हिच कंट्रीज हॉकी टीम। हाल ही में ताहिर जमान को किस देश के हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया। सो नेम ऑफ द कंट्रीज पाकिस्तान। ओके, एंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैज अपॉइंटेड ओलंपियन ताहिर जमान एज द न्यू हेड कोच ऑफ द नेशनल हॉकी टीम। एज पर द इंफॉर्मेशन, हु ओन इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। जानकारी के अनुसार पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी किसने जीता। सो नेम ऑफ द पर्सन इज हरविंदर सिंह। ओके, हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता एंड ही इज फ्रॉम हरियाणा। ओके, रिसेंटली व्हिच स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट 20 अगस्त एज ए छुट्टिया डे फ्रॉम 2025।
हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 20 अगस्त को सूटिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? सो नेम ऑफ द स्टेट इज असम. ओके, एंड रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा अनाउंस दैट 20th अगस्त ऑफ एवरी ईयर विल बी ऑफिशियली सेलिब्रेट अक्रॉस सूटिया दिवस एंड टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजियन इन द फ्रीडम मूवमेंट. ओके, सो सूटिया डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑन 20th अगस्त. ओके, नेम ऑफ द स्टेट इज असम. Recently, central government has declared Adi Chunchungiri and Chulanur as a peacock sanctuary, and these sanctuaries are located in which of the following Indian state respectively? हाल ही में Adi Chunchungiri and Chulanur as a peacock sanctuary declare किया गया. ये कौन से दो state में located है? Adi Chunchungiri, it is located in Karnataka, and Chulanur peacock sanctuary, it is located in Kerala. Okay, and peacock is a national bird of India declared in 1963. Okay, and previously Bankapur is the only peacock sanctuary of India. It is located in Karnataka. Okay, so Adi Chunchungiri and Chulanur as a peacock sanctuary, and it is located in respectively Karnataka and Kerala. As per the news, which state government recently announced 33% police force reservation for women? समाचार के अनुसार किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए 33% पुलिस बल आरक्षण की घोषणा की है? सो नेम ऑफ द स्टेट इज राजस्थान. ओके, एंड राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स. एज पर द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इंडिया टेस्टेड रिसेंटली? सो अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली जो टेस्ट किया गया, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 4000 किलोमीटर. ओके, एंड द मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड विथ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1000 kg. ओके, Recently, world's first breeding center of Asian king vulture was inaugurated in which state? हाल ही में Asian king vulture का breeding center कहाँ पर inauguration किया गया? So name of the state is Uttar Pradesh. Okay, and Uttar Pradesh in Gorakhpur Forest Division, and it is the world's first conservation and breeding center for the Asian king vulture or the red-headed vulture. Okay. So name of the state is Uttar Pradesh. Recently, a 10-day Atham के साथ Onam festival start किया गया. Okay, ये Onam festival कौन सा राज्य का state festival है? So name of the state is Kerala. Okay, Onam ये Kerala का state festival है, and it is a harvest festival. It last 10 days. Okay, the festival last 10 days. Okay, as per the news, who was India's flag bearer at the closing ceremony of Paris Paralympic? Samachar ke anusar Paris Paralympic mein closing ceremony mein flag dhavak kaun the? Answer is sprinter Priti Pal and Harvinder Singh. Ye dono the flag bearer. Okay, female category mein Priti Pal and men's category mein Harvinder Singh. Okay, and Harvinder Singh, India's first ever Paralympic gold medalist in archery, was served as a India's flag bearer at the closing ceremony of Paris Paralympic on 8th September 2024. Okay, recently who became the first player to reach 900 career goals in 2024? Haal hi mein कौन ऐसे पहले खिलाड़ी बन गया जो 900 करियर गोल्स को रीच किया? सो नेम ऑफ द प्लेयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके, नेम ऑफ द प्लेयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज, एंड इट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस देश में स्थित है? सो नेम ऑफ द कंट्री इज UAE. Okay, that is United Arab Emirates.
And UAE has successfully completed the Arab world's first nuclear power plant, the Barakah Nuclear Energy Plant. Okay. Recently, who won the men's single title of the US Open 2024 Champions Trophy? हाल ही में US Open 2024 Champions Trophy पुरुषों के एकल शीर्षक किसने जीता? So name of the person is Jannik Sinner. Okay. And he defeated Taylor Fritsch. And Ariana Sabalenka of Belarus won the women's single title of 2024 US Open tennis tournament. In female category won this title Ariana Sabalenka, and men's category won US Open title Jannik Sinner. Recently, which country became the 101st member of the International Solar Alliance? So 101st member International Solar Alliance mein kaun sa country ban gaya? So name of the country is Nepal. Okay. As per the news, Odisha's second AIIMS will come up in which city? Samachar ke anusar, Odisha ka dusra AIIMS kis shahar mein sthapit kiya jayega? So answer is Sambalpur. Okay. And state got its first AIIMS, that is located in Bhubaneswar, in 2014. Now Odisha got their second AIIMS, and it will be set up in Sambalpur. Recently, Sitaram Yechuri passed away. He was a famous personality of which field? हाल ही में समाचार में देखा गया, जो सीताराम येचुरी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व था? So answer is politics. Okay, सीताराम येचुरी was a renowned politician and from West Bengal. Okay. Recently, which country has organized the 7th edition of the bilateral military exercise Eastern Bridge? हाल ही में किस देश ने bilateral military exercise Eastern Bridge conduct किया? ये 7th edition था इस exercise का. So name of the country is Oman. Okay. And it is the 7th edition of Eastern Bridge exercise, and this time location था Masira, Oman, and from 11 to 12 September. Okay. एक bilateral exercise है Eastern Bridge, ये इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट किया जाता है. इस बार ओमान ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है. ओके. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज सतीश कुमार. ओके. नेम ऑफ द पर्सन इज सतीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड. रिसेंटली हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? सो हर नेम इज सलीमा इम्तियाज. ओके. एंड रिसेंटली हुच टीम ओन हॉकी मेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी इन चाइना? हाल ही में किस टीम ने चीन में हॉकी पुरुषों की एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? सो नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया. ओके. इंडिया बीट चाइना 1-0 इन द फाइनल ऑफ द मेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 एट द हुलनबुर इन चाइना. ओके. इंडिया बीट चाइना इन चाइना. As per the news, what is the new name of Port Blair in Andaman and Nicobar Island? Okay. So, समाचार के अनुसार Port Blair का अब नया नाम क्या होगा? So, answer is Sri Vijayapuram. Okay. Port Blair का अब नया नाम होगा Sri Vijayapuram. Recently reported, which country will host 2026 Commonwealth Games? रिपोर्ट के अनुसार किस देश 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? सो नेम ऑफ द कंट्रीज स्कॉटलैंड. ओके. एंड स्कॉटिश सिटी ऑफ ग्लासगो विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स.
As per the information recently, who has been appointed as the head coach of the Indian national women's football team? हाल ही में जानकारी के अनुसार, जिसे भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया। सो नेम ऑफ द पर्सन इज संतोष कश्यप। ओके, एज पर द न्यूज, व्हिच कंट्री अलोंग विथ पाकिस्तान इज वन ऑफ द लास्ट टू कंट्रीज वेयर पोलियो रिमेन्स एंडेमिक। सो पाकिस्तान के साथ और किस देश में पिछले दो दशक में से पोलियो स्थानिक है? सो नेम ऑफ द कंट्रीज अफगानिस्तान। ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज अफगानिस्तान। रिसेंटली रिपोर्टेड यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग हैज लॉन्च ए न्यू फिश वेराइटी एट ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर दैट इज सीफा भुवनेश्वर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस वेराइटी? ओके, सो रिसेंटली ICR सीफा ने एक नया फिश वेराइटी तैयार किया है। इस नए वेराइटी का नाम क्या है? सो आंसर इज अमृत कतला। ओके, एंड इट इज ए जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ कतला एंड एट द ICR सीफा भुवनेश्वर। ओके, एंड इट कंटेन मोर मसल प्रोटीन कंपेयर टू लोकल वेराइटी। ओके, सो न्यू नेम ऑफ द वेराइटी, न्यू वेराइटी नेम इज अमृत कतला। एज पर द न्यूज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ओन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फ्रिक्शन फॉर हर शॉर्ट स्टोरी दैट इज नाइन ईयर्ड साड़ी। ओके, सो नाइन ईयर्ड साड़ी इट इज इंग्लिश फिक्शन स्टोरी, इसके लिए किसे सिंगापुर लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया? हर नेम इज प्रशांति राम। ओके, हर नेम इज प्रशांति राम एंड सी ओन प्राइज इन फ्रिक्शन कैटेगरी। ओके, एज पर द इंफॉर्मेशन, पेंच टाइगर रिजर्व सीन इन द न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? सो पेंच टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एज पर द इंफॉर्मेशन रिसेंटली वेयर वॉज द 19th दिव्या कला मेला इनॉग्रेटेड? सो हाल ही में जानकारी के अनुसार 19th दिव्या कला मेला का उद्घाटन कहां पर हुआ था? सो प्लेस इज विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। द 19th दिव्या कला मेला वॉज इनॉग्रेटेड इन विशाखापट्टनम बाई आंध्र प्रदेश गवर्नर श्री एस अब्दुल नजीर। ओके, सो प्लेस इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एज पर द न्यूज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दैट इज NALCO? समाचार के अनुसार किसे CMD के पोस्ट पे नियुक्त किया गया नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में दैट इज NALCO? सो नेम ऑफ द पर्सन इज विजेंद्र प्रताप सिंह। ओके, विजेंद्र प्रताप सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड ही विल सक्सीड श्रीधर पात्रा। ओके, ही विल सक्सीड मिस्टर श्रीधर पात्रा। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द राजभाषा कृति अवार्ड? हाल ही में राजभाषा कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेल। ओके, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड सदाशिव मूर्ति इज अ CMD ऑफ वेल एंड रिसीव द अवार्ड एंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ओके, इस अवार्ड को किसने रिसीव किया? सदाशिव मूर्ति ने। ओके, जो वेल के CMD है। ओके, रिसेंटली वेयर वॉज द नदी उत्सव इनॉग्रेटेड? हाल ही में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? सो इसका उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। ओके, नदी उत्सव 2024 वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली। ओके, सो न्यू दिल्ली में नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। Recently, who has been appointed as the new DG of Narcotics Control Bureau? हाल ही में किसे न्यू डायरेक्टर पोस्ट में नियुक्त किया गया नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में? सो नेम ऑफ द पर्सन इज अनुराग गार्ग। ओके, एंड
It works under the Ministry of Home Affairs. Narcotics Control Bureau, it works under the Ministry of Home Affairs. Okay. As per the information, central government recently approved 31,000 crore for fencing the border of which country? हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के सीमा को फेंसिंग करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? सो नेम ऑफ द कंट्रीज म्यांमार. ओके एंड म्यांमार इट शेयर बॉर्डर विथ इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम. ओके दीज आर द स्टेट्स म्यांमार शेयर बॉर्डर दीज आर द इंडियन स्टेट. ओके सो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव 31,000 करोड़ फॉर फेंसिंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखर इनॉग्रेटेड द संविधान मंदिर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? सो नेम ऑफ द स्टेट इज महाराष्ट्र. The Honorable Vice President of India, Jagdeep Dhankar, and who has inaugurated the Constitutional Temple, that is Sangvidhan Mandir, and the Constitution Temple were designed to teach children about the significance and sanctity of the Indian Constitution. Okay, so name of the state is Maharashtra. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express.